हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आर एस अकेडमी में दोस्तों राजस्थान में आयोजित ग्राम सेवक यानी कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जो पेरी का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार दोस्तों आज अपन कंप्यूटर का सामान्य परिचय से संबंधित टॉप सौ प्रश्न है वो पढ़ने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत तो महत्वपूर्ण तो है अगर आपको ग्राम सेवक बनना है तो दोस्तों ये सौ प्रश्न है वो आपको देखने बहुत ही जरूरी है दोस्तों कंप्यूटर जीके के ये प्रश्न है बहुत ही शानदार और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं ये, है ये। इसलिए आपको ध्यान से देखना है और अनाध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें कंप्यूटर से संबंधित दोस्तों दस प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे पेपर के अंदर अगर आप वो दस प्रश्न सही करना चाहते हैं तो दोस्तों इन सौ प्रश्नों को देखना आपको बहुत ही जरूरी है दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रथम पीढ़ी में दोस्तों प्रथम पीढ़ी है ये चली थी उन्नीस से लेकर उन्नीस तक उन्नीस बयालीस से लेके और उन्नीस तक ये पहली पीढ़ी चली थी अब देखिए उन्नीस पचपन तक चली यानी कि पचपन में समाप्त हो गई तो दूसरी पीढ़ी आ गई उन्नीस में और ये छप्पन से चली थी पैंसठ तक यानी कि उन्नीस तक अब दोस्तों उन्नीस में खत्म हो गई तो तीसरी पीढ़ी आ गई अब तीसरी पीढ़ी आई ये आई उन्नीस से लेके और उन्नीस तक ठीक है अब उसके बाद में दोस्तों ये आ गई कितनी उन्नीस सौ पिछहत्तर तक चली तो छिहत्तर से चौथी पीढ़ी शुरू हो गई तो उन्नीस सौ छिहत्तर से चौथी पीढ़ी शुरू हो गई और ये एटी नाइन तक चली और उसके बाद में दोस्तों नब्बे से पाँचवीं पीढ़ी शुरू हो गई जो वर्तमान तक इसमें चल रही है ठीक है ये आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना है तो यहाँ पर लो लैंग्वेज का उपयोग है वो प्रथम पीढ़ी में किया गया था क्योंकि पहली पीढ़ी थी और इसमें वेबक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर प्रश्न सारे देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आ जाएगा देखिए कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में इनपुट डिवाइस के लिए किसका उपयोग किया जाता है बताइए इनपुट डिवाइस के लिए किसका उपयोग किया जाता है कंप्यूटर की चौथी जनरेशन चौथी जनरेशन की बात की थी तो दोस्तों उन्नीस से लेके और उन्नीस तक जो चौथी पीढ़ी चली थी उसकी बात हो रही है उसमें किसका प्रयोग किया गया था तो दोस्तों इसमें उसमें, कीबोर्ड और दोनों का प्रयोग किया गया था किसका उपयोग किया गया है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए आईसी देखिए पहली पीढ़ी में वेबक्यूम ट्यूब का दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का तीसरी पीढ़ी में आईसी का चौथी पीढ़ी में माइक्रोप्रोसेसर का और पांचवी पीढ़ी में दोस्तों आप कृत्रिम बुद्धि बोल सकते हैं ठीक है तो यहां पे आईसी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट तो इसका राइट आंसर C, नंबर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर आगे देखिए इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया यानी कि आईसी जो चिप होती है आपने सुना ही होगा जो सिलिकॉन की होती है ठीक है तो यहाँ पे आईसी का आविष्कार किसने किया तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सॉरी कब किया ये कर लेना यहाँ पे ठीक है आईसी का आविष्कार कब किया तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये 1950 में इसका आईसी का आविष्कार है वो किया गया था ये आपको इसमें याद रखना है और आईसी का आविष्कार किसने किया तो दोस्तों वो था इसमें दो व्यक्ति थे एक थे दोस्तों इसमें जैक किबली ठीक है और दूसरा था रॉबर्ट नाइसी तो यहां पे अगला प्रश्न आता है कि आईसी का आविष्कार किसने किया तो जैक किलब और रॉबर्ट नॉसी के द्वारा यह आईसी का आविष्कार किया गया था 1950 में ठीक है यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा एक और तो दोनों सही है आगे देखिए कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी में इनपुट डिवाइस के रूप में निम्न में से क्या प्रयोग में लाया जाता है देखिए अपन ने बात की थी चौथी पीढ़ी की ठीक है यानी कि चौथी पीढ़ी में तो प्रयोग में लाया जाता है कीबोर्ड और माउस कीबोर्ड और माउस प्रयोग में लाया जाता है और यहां पे दोस्तों तीसरी पीढ़ी की बात हो रही है तो दोस्तों तीसरी पीढ़ी में भी कीबोर्ड और माउस का प्रयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें इसमें देखिए देखिए कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें एनालॉग, तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये आपको इसमें याद रखना है ठीक है एनालॉग आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें आठ नंबर का प्रश्न है वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कंप्यूटर की वर्तमान तक पांच पीढ़ियां है यह 2016 में प्रश्न पूछा गया था इसलिए इसने 2015 तक का नाम ले दिया ठीक है तो ये आपको थोड़ी सी चीजें हैं वो याद रखनी है कंप्यूटर की कुल कितनी पीढ़ियां हैं पांच पीढ़ियां हैं ठीक है, है। मैंने आपको शुरू में बताया पहली पीढ़ी उन्नीस से 55 तक है दूसरी पीढ़ी छप्पन से पैंसठ तक तीसरी पीढ़ी डी छियासठ से पिछहत्तर तक चौथी पीढ़ी उन्नीस सौ छिहत्तर से उन तक और पांचवी पीढ़ी है वो उनबे से वर्तमान तक चल रही है यानी कि नब्बे से वर्तमान तक चल रही है तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर ठीक है ये देखिए कि ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हुए प्रश्न है इसलिए आराम से देखना एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा आगे देखिए मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है राइट right आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर ठीक है बिग आयरन के रूप में मेन फ्रेम कंप्यूटर को जाना जाता है ठीक है आगे देखिए दोस्तों इसमें सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था तो राइट आंसर हो जाएगा वो है एप्पल फर्स्ट तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा एप्पल फर्स्ट ग्यारह नंबर का प्रश्न इसमें देखिए दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो माना जाता है दोस्तों एडा लवलेस को एडा लवलेस को दोस्तों दुनिया का पहला प्रोग्रामर माना जाता है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बारह नंबर का प्रश्न इसमें देखिए कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया जाता है राइट right आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पहली पीढ़ी का ठीक है तो इसमें राइट right आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर पहली पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया जाता है आगे देखिए तेरह नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है बताइए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सुपर कंप्यूटर श्रेणी है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उस कंप्यूटर का सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है तो वो है परम है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा परम आगे देखिए निम्नलिखित में से वर्ष उन्नीस में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है निम्नलिखित में से वर्ष उन्नीस में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा तो वो है दोस्तों बताइए तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें ये देखिए ग्रेफाइट है गलत हो जाएगा ये वो है क्रे फर्स्ट ठीक है, है? क्रे फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा तो वर्ष उन्नीस में सर्वप्रथम विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा था तो वो था दोस्तों क्रे फर्स्ट ठीक है, है याद रखना तो इसका राइट आंसर क्रे फर्स्ट होगा आगे देखिए इसमें पंद्रह नंबर का प्रश्न निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेट्राफ्लोप्स सुपर कंप्यूटर है जिसे पुणे में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी में अनावरित किया गया है दोबारा देखिए प्रश्न अच्छा है निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेट्रोफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर है जिसे पुणे में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी में अनावरित किया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रत्युष याद नाम याद रखना प्रत्युष उसका नाम है तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अबेकस बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अबेकस आगे देखिए माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है माइक्रोचिप्स बनाने के लिए राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है तो इसमें राइट आंसर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए इसमें देखिए समेकित परिपथ इनमें से किस पी डी सुर किस कंप्यूटर पीडी से संबंधित है बताइए समय कीते परिपथ तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए एकीकृत सर्किट है ठीक है इसका प्रयोग है ये दोस्तों यानी कि एकीकृत सर्किट जिसको आप आईसी भी बोल सकते हैं ठीक है तो दोस्तों आईसी का प्रयोग है वो तीसरी पीडी में किया गया था तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर का ऑप्शन सॉरी ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पे पूछा है कि समेकित परिपथ और यहाँ पे देखिए सीधा सा इंग्लिश में भी साथ में लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि जिसको आप आईसी बोलते हैं तो ये इसका प्रयोग है वो दोस्तों तीसरी पीढ़ी में किया गया था राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी उन्नीस में किसके द्वारा बनाई गई थी बताइए ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये देखिए के द्वारा एल के द्वारा ये ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी उन्नीस दस में बनाई गई थी बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है राइट right आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें चार्ल्स बेबेज को जिसे कंप्यूटर का आविष्कारक और जनक कहा जाता है तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर चार्ल्स बेबेज को इक्कीस नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए इसमें मैकिंटोस कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था मैकिंटोस कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था राइट right आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एप्पल ने सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एप्पल ने ठीक है आगे देखिए बाईस नंबर का प्रश्न है डाटाबेस द्वारा उत्पादित टेबलेट कंप्यूटर का नाम क्या था डाटाबेस द्वारा उत्पादित टेबलेट कंप्यूटर का नाम क्या था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था डाटा डाटाबेस द्वारा उत्पादित टेबलेट कंप्यूटर का क्या नाम था जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आकाश तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आकाश तेबीस नंबर का प्रश्न इसमें देखिए डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे है बताइए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए ठीक है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने के लिए डिजिल डिजिटलीकरण शब्द का प्रयोग किया जाता है राइट आंसर हो जाएगा इसमें ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है आगे देखिए उन्नीस में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक्स अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक्स अनुक्रम कैलकुलेटर क्या है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है अंकीय संगणक कंप्यूटर द्वारा डेटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने के लिए किस प्रणाली का उपयोग होता है Osionfish. इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों दोस्तो बाइनरी या द्विगुण तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बाइनरी या द्विगुण ठीक है छब्बीस नंबर का प्रश्न इसमें देखिए विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर के का क्या नाम है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी डी सी छासठ सौ सी डी सी सौ ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी डी सी सौ आगे देखिए इसमें सत्ताईस नंबर का प्रश्न है माइक्रो कंप्यूटर की स्पीडी का कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर की स्पीडी का कंप्यूटर है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है ये माइक्रो कंप्यूटर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए कंप्यूटर की पहली जनरेशन का समय कब से कब तक रहा था कंप्यूटर की पहली जनरेशन का समय कब से कब तक रहा था तो दोस्तों ये रहा था उन्नीस से उन्नीस तक ठीक है तो यहाँ पर पहली पीढ़ी का जो समय है वो आपको याद रखना है ठीक है कब से कब तक है? तो उन्नीस सौ बयालीस से लेके उन्नीस सौ पचपन तक ठीक है तो यहां पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको उन्नीस सौ बयालीस से उन्नीस सौ पचपन तक करना है ठीक है उन्नीस सौ छियालीस से नहीं उन्नीस सौ बयालीस से उन्नीस सौ पचपन तक तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर उन्नीस सौ बयालीस से लेके और उन्नीस सौ पचपन तक दोस्तों कंप्यूटर की पहली जनरेशन का समय है वो रहा है तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर आगे देखिए कंप्यूटर की पहली पहली जनरेशन में कौन सी भाषा का उपयोग किया गया था तो दोस्तों मैंने आपको शुरू में ही बताया था पहले ही प्रश्न में कंप्यूटर की पहली जनरेशन में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था राइट आंसर हो जाएगा वो है लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन का समय कब से कब तक रहा है बताइए कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन का समय है वो दोस्तों से तक रहा है प्रथम पीढ़ी के अंदर वेबक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था और दूसरी पीढ़ी के अंदर दोस्तों ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था तो दूसरी पीढ़ी कब से कब तक चली थी उन्नीस से उन्नीस तक तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है आगे देखिए इसमें कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में कौन सी प्रमुख भाषा का प्रयोग किया गया था तो दोस्तों कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था राइट right आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सी भाषा का तो दोस्तों वो है लैंग्वेज फ्रोटोन एंड काबोल यानी कि फ्रोटोन और काबोल का इसमें प्रयोग किया गया था तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन का टाइम पीरियड कब तक था तो दोस्तों तीसरी जनरेशन का टाइम पीरियड अब देखिए यहाँ पे उन्नीस में अगर वो खत्म हो गई थी तो उन्नीस से शुरू होगी तो उन्नीस से उन्नीस तक उन्नीस से उन्नीस तक दोस्तों ये पीडी चली थी ठीक है तो आपको इसमें याद रखना है जैसे अगर अपन इस ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा तो आपको याद रखना है जो तीसरी पीढ़ी की बात हो रही है तो ये दोस्तों उन्नीस से लेकर और उन्नीस तक ठीक है उन्नीस से लेकर उन्नीस तक ये तीसरी पीढ़ी चली थी चौथी पीढ़ी की अगर बात करूं तो उन्नीस से लेके और 1989 तक यानी कि नब्बे में एक कम तक ठीक है तो यहां पर राइट आंसर है उन्नीस से उन्नीस तक हो जाएगा तीसरी पीढ़ी में आगे देखिए आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कंप्यूटर की किस जनरेशन में किया गया जिसको अपन बोलते हैं एकीकृत सर्किट ठीक है पहली पीढ़ी में वेबक्यूम ट्यूब का दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का और तीसरी पीढ़ी में आईसी जिसको अपन बोलते हैं एकीकृत सर्किट का प्रयोग किया गया था तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा तीसरी पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था तो आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार है वो किसने किया था तो दोस्तों मैंने आपको बताया था शुरू जैक किलबाई एंड रॉबर्ट नाइसी के द्वारा ये आईसी का आविष्कार किया गया था तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें पैंतीस नंबर का प्रश्न है देखिए आईसी का आविष्कार कब हुआ था तो ये भी मैंने आपको बताया था दोस्तों उन्नीस में हुआ था आविष्कार ठीक है याद रखना है आगे देखिए इसमें कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का टाइम पीरियड कितना था तो चौथी पीढ़ी का टाइम पीरियड है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उन्नीस से लेके 89 तक तो यहाँ पे भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कोई नहीं उन्नीस से लेकर और 1989 तक दोस्तों चौथी पीढ़ी चली थी और चौथी पीढ़ी में दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उन्नीस से उन्नीसो तक आगे देखिए देखिए कंप्यूटर की किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था तो कौन सी पीढ़ी थी वो अभी मैंने आपको बताया चौथी पीढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए इसमें सॉरी अड़तीस नंबर का प्रश्न कंप्यूटर की पांचवी जनरेशन का टाइम पीरियड कितना था तो दोस्तों कंप्यूटर की पांचवी जनरेशन का टाइम है वो दोस्तों 1989 से अब तक 1989 से अब तक ये कंप्यूटर की पांचवी जनरेशन यानी कि पांचवी पीढ़ी का समय है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर और इसमें कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग किया गया है ठीक है याद रखना है आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें देखिए वाल्व कंप्यूटर कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है वाल्व कंप्यूटर कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है तो दोस्तों इसका राइट right आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रथम पीढ़ी ठीक है तो इसमें राइट right आंसर क्या हो जाएगा वो है ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर यानी कि वेबक्यूम ट्यूब वाल्व कंप्यूटर की जरूरत है वेबक्यूम वेबक्यूम वेब समझते हो ना ठीक है तो इसका राइट right आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए कंप्यूटर की अब तक कितनी पीडियाँ लॉन्च की जा चुकी है तो दोस्तों पांच पी लॉन्च की जा चुकी है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी की लैंग्वेज होती है बताइए कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी की लैंग्वेज होती है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें हाई लेवल लैंग्वेज ठीक है पहली की तो लो लेवल लैंग्वेज होती है दूसरी की हाई लेवल लैंग्वेज तो इसका राइट आंसर पी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए निम्न लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंट में प्रयुक्त होती है निम्न लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सेमी कंडेक्टर लेजर तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सेमी कंडेक्टर लेजर आगे देखिए इसमें ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण ठीक है उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण ये ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है राइट right आंसर इसका डी नंबर उपयोग होता है वह है microwave oven में जिस microwave ट्यूब का उपयोग होता है वह है वह तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें मैग्नेट्रॉन ट्यूब मैग्नेट्रॉन ट्यूब तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा मैग्नेट्रॉन ट्यूब सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर आगे देखिए इसमें टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है तो ये उदाहरण है दोस्तों किसका तो ये उदाहरण है सिंप्लेक्स uh, कम्युनिकेशन का सिम्प्लेक्स कम्युनिकेशन का ये टेलीविजन ट्रांसमिशन उदाहरण है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए एक डाटा में फील्ड होती है एक डाटा में फील्ड होती है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा वो है जानकारी की श्रेणी जानकारी की श्रेणी तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जानकारी की श्रेणी आगे देखिए इसमें सैतालीस नंबर का प्रश्न है स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है स्मृति में आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन है तो वो साधन कौन सा है तो वो है दोस्तों इसमें पता तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर पता नेक्स्ट आगे देखिए इसमें माउस को दो बार क्लिक करने पर सूचना जाती है माउस को दो बार क्लिक करने पर सूचना जाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सीपीयू में जाती है सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू में आगे देखिए कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है तो दोस्तों ये प्राप्त करता है अपनी गति से शुद्धता से स्मृति से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी से डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी से आगे देखिए सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं तो वो है कनेक्टिविटी और हार्डवेयर से परिभाषित कर सकते हैं कनेक्टिविटी और हार्डवेयर से परिभाषित कर सकते हैं डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इक्यावन नंबर का प्रश्न इसमें देखिए कौन सा कंप्यूटर का घटक बाम नहीं है कौन सा कंप्यूटर का घटक बाम नहीं है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें बेसिक यूनिट तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बेसिक यूनिट आगे देखिए इसमें आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें आईबीएम सिस्टम तीन तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आई सिस्टम तीन आगे देखिए इसमें तिरपन नंबर का प्रश्न है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों हटज में हटज में नापा जाता है हटज में मापा जाता है तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें हरमन मन ने अपने ट्यूबलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और यह मशीन विकसित की हरमन होलेरित ने अपने ट्यूबलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और यह मशीन विकसित की तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सेंसर टेबुलेटर सेंसर टेबुलेटर याद रखना बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित दूतर महंगा और अपेक्षाकृत छोटा संग्रह रूप क्या है बताइए तो दोस्तों वो है इसमें कैश तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें दोस्तों छप्पन नंबर प्रश्न है अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं तो सबसे आ, छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें माइक्रो कंप्यूटर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए फ्रोटोन को क्या कहते हैं फ्रोटोन को क्या कहते हैं फ्रोटोन को कहते हैं दोस्तों फॉर्मूला ट्रांसलेटर फॉर्मूला आगे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है राइट right आंसर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों आउटलुक ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आउटलुक आगे देखिए इसमें वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें यूनिवॉक सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा यूनिवॉक आगे देखिए उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंत भी करने लगते हैं उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो कृत्रिम जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंत क्रिया भी करने लगते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें आभासी आभासी और वास्तविकता बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आभासी वास्तविकता आगे देखिए निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वर्म डिस्क ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वर्म डिस्क आगे देखिए इसमें अनुक्रमिक अभिसमता मीडिया की पहचान कीजिए अनुक्रमित अभिसमता मीडिया की पहचान कीजिए राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मैग्नेटिक टेप ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मैग्नेटिक टेप आगे देखिए इसमें तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं तर्कसंगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उसको कहते हैं क्या तो इसको डिबगिंग बोलते हैं ठीक है डिबगिंग बोलते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर आगे देखिए निम्न में से सबसे तेज कौन सा है बताइए यहां पे पूछा गया है है कि निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? तो वो है दोस्तों रजिस्टर ये सबसे तेज है तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लोडर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा लोडर आगे देखिए कंप्यूटर इस क्रम में प्रयोग को निष्पादित करता है कंप्यूटर इस क्रम में प्रयोग को निष्पादित करता है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें फैच डिकॉक एग्जीक्यूट बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा फैच डिकॉक एग्जीक्यूट आगे देखिए सिक्सटी सेवन नंबर प्रश्न कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्य उत्तरदायी है होता है बताइए कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए अगर सिस्टम टाइम एवं दिनांक डेट यानी कि टाइम और डेट गलत प्रदर्शित हो रही है यानी कि कर रहा है तो इसका प्रयोग कर रीसेट कर सकते हैं तो किसका प्रयोग करके रीसेट कर सकते हैं पटवार प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कंट्रोल पैनल का प्रयोग करके सही कर सकते हैं अपन डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है तो दोस्तों इसमें लेजर तकनीक का इस्तेमाल होता है डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सत्तर नंबर प्रश्न इसमें देखिए अंक गणित व तार्किक दोनों कार्य जिसमें किए जाते हैं वह है अंक गणित व तार्किक दोनों कार्य जिसमें किए जाते हैं वह है तो वो किए जाते हैं दोस्तों एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपने पिछली क्लासे हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले में जाइए वहां पर अलग अलग फोल्डर बने हुए हैं वीडियो के नाम से तो आप वहाँ जाके पिछली क्लासें वो जरूर देखें और आराध्या एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर शेयर है वो ज़रूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत